Hello guys, welcome back to my channel. So in my last video I completed up to the psychomotor domain of Bloom's taxonomy, in which we learned about the stages of the three domains: psychomotor domain, affective domain and the cognitive domain. So today we will start with Gagne and Briggs' classification of teaching and instructional objectives. According to this classification, the learning outcomes fall under one of the following categories: intellectual skills, cognitive strategies, verbal information, motor skills and attitudes. तो ये आप खुद देख लीजिएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑल्सो: कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिलोसॉफी ऑफ पीपल, नेशनल गोल्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट एंड ट्रांसलेटेड इनटू देन बिहेवियर्स. ये है हायरार्की ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सब्जेक्टिव्स. देन कम्स द इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस. इसमें क्या आता है? द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैक्सिम होती क्या चीज़ है. मैक्सिम इज ए ग्राउंड रूल और ए फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज़ इवॉल्व्ड over a period of time. It is a golden rule, आप कह सकते हैं. It is a guide for future action or behavior. Teaching also has its own set of maxims. Rules अपने कुछ है. तो rules क्या क्या है? From simple to complex हमें जाना चाहिए हमेशा, simple चीज़ों से complex तक. From known to unknown जाना चाहिए. From seen to unseen. From concrete टू एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट मतलब जो है रियल में, और एब्स्ट्रैक्ट जो हम छू नहीं सकते, जो हम बस सोच सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट हम बोलते हैं. फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पहले पर्टिकुलर चीज़ों को देखिए, फिर उससे क्या जनरेट होता है, जनरल थ्योरी में जाइए, लॉज, थ्योरीज, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं. फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले पूरा को पढ़िए. जस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, ये मैंने पहले भी मेरे वीडियो में है. जस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड दैट वी फर्स्ट सी द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट. फॉर एग्जांपल, वी फर्स्ट परसीव द ट्री. पहले तो हम पेड़ को देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले हम पत्तियों को देखें, फिर ब्रांचेस को, फिर बाद में ट्री को, ऐसा तो नहीं देखते. वी फर्स्ट परसीव द ट्री एंड देन इट्स ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा. दस द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स इज इम्पॉर्टेंट. फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेयर इज फॉर ग्रोन अप लर्नर्स. Logical order is emphasized more for the grown-up learners. From analysis to synthesis. Analysis में हम चीज़ों को तोड़ते हैं और synthesis में हम फिर से उसको जोड़ते हैं. Initially the students have little or vague knowledge about the topics. Paper one को ही समझ लीजिए, हमें पहले लिटिल और वेग नॉलेज था टॉपिक्स के बारे में. एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड देन दोज आर स्टडीड. तो पहले हमने क्या किया, पूरे सब पेपर वन को हमने तोड़ा डिफरेंट पार्ट्स में, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसको हमने तोड़ा. सिंथेसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग बाई कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट. और फिर हम जब हमने सारे चीज़ों को एनालाइज कर लिया, फिर हम उसे एक नॉलेज बनाते हैं बाई सिंथेसिस. फॉलो नेचर, इट मीन्स टू रेगुलेट द एडुकेशन ऑफ ए प्यूपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर. ट्रेनिंग मतलब फॉलो नेचर का मतलब ये है कि बच्चे, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके नेचर को समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एडुकेशन दो उसे.
ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस द सेंस साइट साउंड टेस्ट स्मेल एंड टच अ गेट वेज टू नॉलेज ओके एंड द लास्ट वन इज एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी डेल्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जनरल प्रिंसिपल्स देखिए क्या क्या है ये आप देख लीजिएगा ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है पर फिर भी देखना तो बनता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब लर्निंग बाय डूइंग करते करते सीखना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल ऑफ डिविजन प्रिंसिपल ऑफ रिविजन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज रिपीट करना छोटे बच्चों के लिए प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी भी होना चाहिए एंड कोऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्स मतलब स्टूडेंट्स को रिवार्ड देना कोई अच्छा काम उसने किया या अच्छा रिजल्ट किया तो उसके लिए रिवार्ड दैट इज रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस प्रिंसिपल ऑफ रेमीडियल टीचिंग देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग तो माइक्रो टीचिंग जब लोग बी एड करते हैं ना तो उनको ये माइक्रो टीचिंग करना पड़ता है तो माइक्रो टीचिंग होती क्या है माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक टीचर्स लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन मतलब एक रूम होता है जहाँ पर आपके ही मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं बी एड के वही बैठे होते हैं तो पहले तो ये प्रैक्टिस किया जाता है कि आप उन लोगों के सामने कैसे बोल पा रहे कैसे समझा पा रहे और फिर उसके बाद एक रियल टीचिंग सिचुएशन दिया जाता है फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प्स टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग दिस स्टैनफोर्ड टेक्निक इन्वॉल्व्स द स्टेप्स ऑफ प्लान पहले प्लान कीजिए कैसे पढ़ाना है फिर पढ़ाइए फिर बच्चों से फीडबैक लीजिए एंड देन फीडबैक से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ठीक करना है तो फिर से आप रीप्लान कीजिए रीटीच कीजिए और रीफीडबैक तो ये ऐसा चलता जाएगा प्लान टीच ऑब्जर्व रीप्लान रीटीच एंड रीऑब्जर्व Most pre-service teacher education programs widely use micro-teaching and it is a proven method to attain gross improvement in the instructional experiences. Effective student teaching should be the prime quality of a teacher as an innovative method of equipping teachers to be effective. Skills and practices of micro-teaching have been implemented. तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बॉक्स आ रहा है तो ये आप थोड़ा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है मैं बड़ा कर रही हूँ अपने स्क्रीन को ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग हमारा तो देखिए यहाँ पर एक स्टॉपओवर में क्वेश्चन है द फीडबैक द फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीडबैक इट शुड बी अवेलेबल इन ए टाइम बाउंड मैनर नहीं फीडबैक शुड नॉट बी एडुकेटिव इन नेचर फीडबैक शुड रेफरेंस स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज बी सेंसिटिव टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट बोला है Does not apply in the context of feedback. तो feedback तो हाँ it should be available in a time bound मतलब ऐसा नहीं कि class हो गया school ख़त्म हो गया और फिर आप feedback दे रहे हैं तो time bound manner तो है feedback should not be educative in nature नहीं feedback तो teaching में ही होती है teaching करने के बाद ही तो feedback students देते हैं उनसे हम लेते हैं teachers लेते हैं तो वो
नॉट एडुकेटिव कैसे हो सकता है, इट हैज़ टू बी एडुकेटिव इन नेचर. तो आंसर बी होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ द मेथड्स ऑफ टीचिंग, देखिए यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया गया है, टीचर खड़ा है, विजुअल इमेज है यहाँ पर कोई जो दिखाकर टीचर पढ़ा रहा है, विजुअल मैसेज वर्बल मैसेज है जो अपने मुंह से टीचर बोल रहा है स्टूडेंट्स को, और फिजिकल अपीयरेंस भी है. और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट नोट बना रहे हैं, स्टूडेंट सोच रहे हैं, और स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं. तो द टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? लेक्चर मेथड, पहले मैं बस नाम को बोल रही हूँ, फिर हम डिटेल्स में जाएंगे. देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी. टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी कौन कौन से, मतलब टीचर जहाँ पर प्रधान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सारे मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे लेक्चर्स. टीम टीचिंग में, टीम टीचिंग में देखिए दो टीचर्स एक साथ या तीन भी पढ़ा सकते हैं, एक साथ पढ़ा रहे. टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, डायलॉगिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग, ये सारे टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी हैं. मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में क्या आ रहा है, जहाँ पर टीचर का भी रोल है, लर्नर्स का भी रोल है, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग में सारे बैठकर अपने अपने आइडियाज़ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, तो मिक्स्ड है. प्रोजेक्ट मेथड और वर्क में ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे हम बाद में पढ़ेंगे. इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स, मतलब जो हमारे लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है, वो कौन कौन से हैं. ट्यूटोरियल्स, जब हम ट्यूटोरियल का वीडियो कोई देखते हैं यूट्यूब से, तो वो लर्नर सेंटर्ड होता है. असाइनमेंट जब हम करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट, असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI एंड द ह्यूरिस्टिक मेथड. तो आज का वीडियो मैं इतना तक ही रखती हूँ, और इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल गो इनटू डेप्थ इन ऑल दीज टीचिंग मेथड्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये सारे. देखिए टीचिंग मेथड्स है, लर्नर सेंटर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है. ह्यूरिस्टिक मेथड, और फिर हम पढ़ेंगे गैगनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, और सारे जो मूक्स है स्वयं स्वयं प्रभाव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो तब तक के लिए सब अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.